हेलो फ्रेंड्स, सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल पर आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र किस प्रकार से अपलोड करने हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से चलते हैं कि किस प्रकार से आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आपको किस तरह से अपलोड करने हैं। सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र पर आपको चले जाना है, छात्रवृत्ति पोर्टल पर एंटर करके यहाँ पास आपको आ जाने हैं और यहाँ पास जो जानकारी यहाँ पर दिया गया है, विद्यार्थी का प्रमाण पत्र अपलोड एवं सत्यापित करें, इस ऑप्शन पर आपको आने हैं और इसी को क्लिक करना है। तो इससे पहले मैं बता दूँ कि किन विद्यार्थियों को किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर पर आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगा। आधार कार्ड को आप फ़ोटो कापी करवाएंगे दोनों साइड को, एक साइड और उसका फ़ोटो ले लेंगे और फ़ोटो लेकर रखेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। और सेकंड नंबर आपको ज़रूरत पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र के लिए। तो जिन विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, उन लोगों का सिर्फ आपको नंबर बस को एंट्री करना होगा। आपका नंबर इस तरह से नंबर रहता है 1 2 2 2 2 3, इस तरह से जो नंबर रहता है उसको आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। अगला देखते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर पर, तीसरा प्रमाण जरूरत पड़ेगा आपको आय प्रमाण पत्र की। तो आय प्रमाण पत्र की किन विद्यार्थियों को लगेगा, तो इसमें सिर्फ ओबीसी वाले को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगा। आपको एससी और एसटी के विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो एससी और एसटी विद्यार्थियों को इसको नहीं देना है, इसका नहीं भरना है, मतलब इसको अपलोड की आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से अपलोड करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको विद्यार्थी का प्रमाण पत्र अपलोड करने पर इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर आधार अपलोड सफलतापूर्वक हो चुका है और यहाँ पर अपलोड हो चुका है। दूसरा, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, इस विद्यार्थियों का जाति प्रमाण बन चुका है। अपलोड करने के पश्चात यहाँ पर उसका सीरियल नंबर दिखाएगा। अगला है आय प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र अभी अपलोड नहीं हुआ है, इसमें दो ऑप्शन दिए हैं। उसके पश्चात जैसे ही इसको आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, आधार और आय, ये तीनों दिखाई देगा। देखते हैं यहाँ पर इस विद्यार्थी का, देख सकते हैं आपको आधार कार्ड अपलोड हो गया है, जाति प्रमाण पत्र हो गया है, इनकम सर्टिफिकेट भी हो गया है और ये तीनों का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि गलती से आपका ये आधार कार्ड है या जाति प्रमाण पत्र है या आय प्रमाण पत्र अपलोड हो चुका है और आपको ध्यान में आया कि यह विद्यार्थी का नहीं है, तो इसको निरस्त करने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है। तो आप इसको क्लिक करके इसको निरस्त करेंगे तो यहाँ पर एक समस्या होगा, इसको पुनः आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए कहा जाता है। तो आप यहाँ पर पुनः जाएंगे फॉर्मेट ए सुधारे में और यहाँ फॉर्मेट ए सुधारे में जाकर इस विद्यार्थी की आधार कार्ड को पुनः एंटर करना होगा और सेव करना होगा। उसके पश्चात यह ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगला देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको, चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको अपलोड करते हैं। तो अपलोड वाला ऑप्शन पर चलते हैं, यहाँ पर इस विद्यार्थी का देखते हैं। तो यहाँ पर आधार अपलोड दिया गया है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर चूज फाइल आएगा, चूज फाइल को क्लिक करेंगे और इस विद्यार्थी का यहाँ पर आपको इसका आधार को अपलोड करने होंगे। ये आधार है, इसको 100 KB में इसको कंप्रेस कर लेना है। और कंप्रेस कैसे करते हैं, मैं इसे जो पूर्व के वीडियो है उसमें बताया हूँ कि किस प्रकार से कंप्रेस करना है। तो इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के पश्चात यहाँ पर चेकबॉक्स दिया गया है, इस चेकबॉक्स को राइट का चिन्ह लगाना है। उसके बाद यहाँ पर सत्यापित पर क्लिक करना है। जैसे पर इस पर क्लिक करेंगे, यह विद्यार्थी का आधार कार्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आया सक्सेस अपलोडेड, इस प्रकार से यह कंप्लीट हो गया। ओके करते हैं और इस विद्यार्थी को पुनः देखते हैं कहाँ पर है, आधार अपलोड सफलतापूर्वक हो गया है। अब इसको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के लिए, क्या डिप्टी कलेक्टर SDM द्वारा जाति ऑनलाइन प्रमाण पत्र है, तो यदि SDM या तहसीलदार द्वारा जारी हुआ है तो इसको यस करेंगे और यदि नहीं हुआ है तो इसको नो करेंगे। चलिए मैं यस करके देखता हूँ, ये यस कर दिए और आवेदन पत्र का क्रमांक यहाँ पर एंटर करने होंगे आपको। तो आवेदन पत्र का नंबर इसमें डाल देते हैं और यहाँ पर आपको श्योर हो जाना है कि यह नंबर सही है कि नहीं है। यहाँ
यहाँ पर इस विद्यार्थी की जानकारी यहाँ पर आ चुका है, तो इसको आपको चेक कर लेना है कि यही विद्यार्थी कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स है, इसको क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के पश्चात यह विद्यार्थी की जानकारी ही वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, यदि यहाँ पर आवेदन क्रमांक गलत हो गया है तो यहाँ पर इस विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का नाम आएगा तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ओके करेंगे, यहाँ पर अब इस विद्यार्थी का यहाँ पर नाम आ जाएगा, देख सकते हैं आप। ओके पर क्लिक करेंगे, जानकारी है वो अपलोड हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर नंबर आ गया। और यहाँ पर क्या डिप्टी कलेक्टर या SDM द्वारा जारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र है, तो यह इसका नहीं है तो इसलिए इसको नहीं करेंगे। और यदि रहेगा तो इसका नंबर बस डालना पड़ेगा। इसमें आय प्रमाण पत्र की जानकारी है, इसको सरपंच द्वारा बनाया गया है, इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र में भी आएगा। तो उसके पश्चात यहाँ पर चूज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस विद्यार्थी की जानकारी है यहाँ पर रखें नया प्रमाण पत्र, इसको यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के पश्चात यहाँ पर अपलोड करें पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से यह विद्यार्थी के जो आय प्रमाण पत्र है यह अपलोड हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, ये देखते हैं सक्सेसफुल अपलोड, इस प्रकार से अपलोड करने होंगे। साथ ही इसी प्रकार की वीडियो की जानकारी के लिए CG स्कूल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।